हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका भौमिक। वेलकम टू माय चैनल प्रियंका पी भौमिक रेसिपीज। आज मैं आपको एक बहुत ही फ्लेवरफुल डिश के बारे में बताऊंगी जो कि 100% वेज है, और वो है नवरत्न बिरयानी। तो चलिए आज बनाते हैं नवरत्न बिरयानी। तो नवरत्न बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल ले लिया है और इसको 70% बॉयल करके रख दिया है एक सिनेमन स्टिक के साथ। ये सॉल्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ड्राई फ्रूट्स, ब्लांच किया हुआ मटर है, ये होल गरम मसाला है, ये ब्लांच किए हुए सब्जियां हैं, ऑनियन, ये पोटैटो है, ये भी मैंने जितने भी सारे सब्जी है सबको मैंने ब्लांच करके रख दिया है। ये मेरे होममेड फूड ऑरेंज फूड कलर है जिसको मैंने कश्मीरी मिर्च और कैरेट के साथ बना लिया है, और ये रेड होममेड फूड कलर है जिसको मैंने बीटरूट के साथ बना लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो चुकी है, अभी हम इसमें हमारा जो होल गरम मसाला है इसे डाल देंगे। और साथ ही में डाल देंगे ये ऑनियन के जो स्लाइस करके रखे थे हमने। अभी ऑनियन को हमें बहुत ही अच्छी तरह से भून लेनी है, इसको काला नहीं होने देना है हमें। तो यहाँ पे प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, अभी हम इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मिला देंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, तब तक जब तक के गार्लिक और जिंजर का जो रॉ फ्लेवर है वो चले ना जाए। तो मसाला यहाँ पे भून चुका है, अभी हम इसमें हमारा जो ब्लांच किया हुआ वेजिटेबल्स है उसे डाल देंगे। तो सबसे पहले आलू को डाल दिया है मैंने, यहाँ पे कैरेट और फ्रेंच बीन्स है, और ये है ब्लांच किया हुआ मटर। अभी सारी चीज़ों को हम साथ में मिला लेंगे और इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे। इसमें हमें हल्दी या मिर्च पाउडर कुछ भी मिलाना नहीं है। तो देखते हैं वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स जो है पूरी तरह से पक चुकी है, और अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। और साथ ही में इसको हम चावल से कोट करते हैं। तो सब्जी को मैंने चावल से कोट कर लिया है, अभी हम इसमें थोड़ी थोड़ी फूड कलर मिलाते जाएंगे। तो अभी हम इसको ढककर दम पर बिठाएंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आए। नवरत्न बिरयानी यहाँ पे तैयार है और मेरी पूरे घर में इसकी महक फैल चुकी है। आप भी इसे घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल प्रियंका एम भौमिक रेसिपीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।